तो हेलो मेरी फैमिली, करता हूँ सारे स्वस्थ होंगे। आज बहुत लंबे समय के बाद हम शुरू हो रहे हैं। तो मैं बैठा बैठा ऐसे प्रोफाइल चेक कर रहा था, तो मुझे एग्रीकल्चर की एक ऐसी शख्सियत की प्रोफाइल मिली, मेरे को बहुत ज़्यादा उसने अप्रिशिएट किया, बहुत ज़्यादा मेरे को अच्छे लगे। क्या नहीं लगता कि उनका परिचय आपको देने की ज़रूरत पड़ेगी? ऐसी शख्सियत है कि उनका नाम ही काफ़ी है उनके परिचय। डॉक्टर आर एस परोदा, तो आपको दिख रहे हैं डॉक्टर आर एस परोदा, उनके बारे में बात करते हैं। पद्म भूषण डॉक्टर राजेंद्र आनंद उपाधि, ये पहले का है, यहाँ पे देख सकते। ये जो डॉक्टर आर एस परोदा एक्स आईसीआर डीजी है, प्रेजेंट के अंदर जो ये है अपने इंडियन गवर्नमेंट को जो एग्रीकल्चर रिसर्चेज हैं उसके लिए जो नई नीतियाँ हैं उनके बारे में बताते हैं। मैं चेक करते करते एक चीज मैंने देखी जो आपको बताता हूँ, और बातें बाद में करेंगे इनका पूरा बायोडाटा। ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज, ये है का खुद का चैनल है, इस पे ये जो एग्रीकल्चर की जो नई नई इन्फॉर्मेशन वगैरह हैं वो चीज़ें हैं। तो मैंने एक चीज़ देखी कि आजकल प्रेजेंट में लोग जो अदर चीज़ें हैं जो अपने काम की नहीं है, एक स्टूडेंट के काम की नहीं है, उन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रमोशन करते हैं, वो करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, उनको शेयर करते हैं फलाना ढिमका जो भी है। बट मैंने एक चीज़ देखी कि इतनी बड़ी शख्सियत की एग्रीकल्चर में जो इनका योगदान है ना अपने भारतीय कृषि के अंदर की स्टडीज़ में और पूरे ऑल ओवर एग्रीकल्चर क्षेत्र में जो इनका योगदान है, मेरे को नहीं लगता कि कोई रिप्लेस कर पाएगा इनकी जगह को, क्योंकि इनका जो रिसर्चेज में है, इनकी उपाधियाँ, इनके जो मेडल्स, इन्होंने जो सेंटर इंस्टीट्यूट बनाए वो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इन्होंने काम किया है, और इनका जो ये बनाया हुआ है इस पर डायरेक्टली हम इनसे जुड़ सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ देखा, ये कोई प्रमोशन वीडियो नहीं है, ये मेरी स्वेच्छा से मैंने, मेरे को बहुत अच्छा लगा, अप्रिशिएटेड हुआ मैं इससे, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसका मैं आपको वो भी दे दूंगा, अब डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, टाइटल में दे दूंगा, तो एक बार आप विजिट करना, यहाँ पर डायरेक्टली आप इनसे जुड़ सकते हैं। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इन्फॉर्मेटिव जो एग्रीकल्चर की न्यूज जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं इनकी बारे में, तो आर एस परोदा, ये देख सकते हैं आप, मेघालय के द्वारा कृषि और मौसम विज्ञान के क्षेत्र के लिए तो बहुत ही प्रतिष्ठित और शानदार व्यक्ति पद्म आर एस परोदा और प्रोफेसर राठौड़ को डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि प्रदान करके सम्मानित किया गया। यहाँ पे देखे एक परोदा और डॉक्टर राठौड़ के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इनके जैसे विख्यात और सम्मानित हस्तियों को इस परिचय की आवश्यकता नहीं है, उनकी उपलब्धियों के बारे में बहुत कुछ बताने के लिए उनका नाम ही काफी है। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के आधुनिकीकरण और मजबूती बहुत योगदान दिया है। महानिदेशक के रूप में आईसीआर के एक्स डीजी के रूप में इन्होंने कार्य किया है। प्रेजेंट में एक चीज और दिखाता हूँ मैं, मतलब इनकी जो प्रोफाइल मैंने देखी, इतने सरल स्वभाव के आदमी इतने आगे तक गए हैं, इतना योगदान दिया इंडियन गवर्नमेंट के लिए, तो मैं बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हुआ हूँ। और मैंने जो चीज देखी कि डायरेक्टली जो ये अपना जो भी डालते हैं उस पर जो इनका प्लेटफॉर्म है, ये किसी का कोई प्रमोशन वगैरह नहीं करते हैं, मतलब ना इन्होंने कहा है कुछ ऐसा, मेरे को अच्छा लगा। तो एक उदाहरण की बात करें तो विकास देवी कीर्ति सरजू आप जानते होंगे, वो इतनी बड़ी हस्ती है, जब वो पढ़ाते थे मतलब उस फील्ड के लिए आईएएस वगैरह के, लोग उनको फॉलो करते हैं। हमारे एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स को आदत आना अच्छे स्टूडेंट्स से फॉलो वगैरह करते हैं नई इन्फॉर्मेशन के लिए, पर इनको पता ही नहीं कि ऐसे भी इनका कोई है, तो उसी के लिए मैंने बनाया। तो थोड़ा सपोर्ट वगैरह करें, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर आर एस परोदा चेयरमैन TAAS, ठीक है, एंड फार्मर सोसाइटी, इनको एक ये तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट फॉरिजन है, उन्होंने एक वो दी है फेलोशिप ATSE। और अगर ATSE की बात करते हैं अपन इंडियन करेंसी के अंदर, तो लगभग 40 मिलियन इतने का इनको फेलोशिप मिला है। और ये अभी प्रेजेंट में जो क्लाइमेट चेंज जो रिसर्च है इंडिया के लिए उसके लिए वर्क कर रहे हैं, मतलब एक बहुत ही ऊंची हस्ती है एग्रीकल्चर के अंदर। और जब मैंने ये चीज़ देखी, बड़ी हस्ती होके ये यहाँ पे दिख रहा है आपको, लोग उन्होंने कुछ नहीं किया, जोड़ना नहीं चाहते, ने किया भी नहीं कुछ ऐसा, पर अपना क्या दायित्व बनता है कि इतने बड़े ये जहाँ तो इनसे कुछ सीखे, तो जो एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, इन्होंने जो काम किए हैं, जो आधुनिकरण किया है एजुकेशन को लेके, रिसर्च को लेके, हर फील्ड में एग्रीकल्चर को लेके ऑल ओवर इन्होंने बहुत कुछ किया है। इनसे डायरेक्ट जुड़ने के लिए अपन यहाँ पे ये देख सकते हैं, इनकी एक शॉर्ट स्टोरी भी दी हुई है, मैंने कम्युनिटी में पोस्ट किया था। मैंने एक चीज़ देखी, मैंने कम्युनिटी में भी इनका जो पोस्ट किया ना, तो लोग बाग इतना
मतलब एक्टिव नहीं इस चीज को लेके, पढ़ने को लेके, या इनको अपना आइडियल माने और सपोर्ट करें, या इनसे सीखें, या डायरेक्ट जुड़े। ये बहुत अच्छे अच्छे इनके स्पीच वगैरह मैंने देखे, मेरे को बहुत अच्छा लगा। इन्होंने जो आईसीआर के अंदर एक्स डीजी है ये, तब वहां पे रहे, तब इन्होंने जो इंस्टीट्यूट है 30 अलग अलग इंस्टीट्यूट बनाए, जैसे तभीजी अजमेर वाला है, एनआरसी वगैरह, सारे इन्हीं के हाथ से स्थापित है, इन्हीं की देन है वो, ऐसे कह सकते हैं हम। एक बहुत ही व्यक्तित्व धनी है ये एग्रीकल्चर के फील्ड में। मेरे को नहीं लगता कि इनसे ऊपर अभी के लिए किसी को अपन माने जो डायरेक्टली अपने से जुड़े हुए हैं, तो एक बार इनसे जुड़े। तो ये जो इनका है प्लेटफॉर्म, उनको मैं मेंशन करूंगा, तो वहां पे सपोर्ट दिखाएं, इनसे डायरेक्ट जुड़े, कुछ चीजें सीखें। मेन जो मेरा मोटिव है वीडियो बनाने का वो ये है कि इतनी बड़ी हस्ती है, हम एग्रीकल्चर पढ़ रहे हैं, आप 11th के स्टूडेंट हो, 12th बीएससी एमएससी कोई भी स्टूडेंट हो, तो इनके मार्गदर्शक लें कि क्या कह रहे हैं, क्या जो नई टेक्नोलॉजीज है, नई जो इन्फॉर्मेशन है वो बताते हैं, तो यहाँ से फॉलो कर सकते हैं आप आराम से, फ्री ऑफ कॉस्ट है ये सारा कुछ। बाकी सभी समझदार है, थैंक यू सो मच।